हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आयाम की परिभाषा क्या है, आवर्तकाल की परिभाषा क्या है और आवृत्ति की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों, आयाम से स्टार्ट करते हैं। आयाम को इंग्लिश में एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसकी डिफिनीशन है दोस्तों, किसी कंपमानित कण के मध्य बिंदु से महत्तम विस्थापन को कण का आयाम कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, आवर्तकाल। आवर्तकाल को इंग्लिश में टाइम पीरियड कहते हैं। इसकी डिफिनीशन है, कंपमानित कण द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। जैसे दोस्तों, झूला आपने देखा होगा, झूला एक छोर से दूसरी छोर जाता है, तो जो एक छोर से दूसरी छोर जाने में ये दोलन होता है, तो इसमें जो समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, आवृत्ति। आवृत्ति किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। आवृत्ति को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसकी डिफिनेशन है, एक सेकंड में कंपमानित कण द्वारा किए गए पूर्ण दोलनों की संख्या को उस कण की आवृत्ति कहते हैं। इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। इसका फार्मूला है दोस्तों, आवृत्ति इज इक्वल टू 1/ आवर्तकाल या n इज इक्वल टू 1/t। आवर्तकाल को t से प्रेजेंट करते हैं और आवृत्ति को n से प्रेजेंट करते हैं, और इसका SI मात्रक हर्ट्ज है। हर्ट्ज को HZ से प्रेजेंट करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि आवृत्ति क्या है। एक सेकंड में कंपमानित कण द्वारा किए गए पूर्ण दोलनों की संख्या को उस कण की आवृत्ति कहते हैं।